सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, और ये जो सेल है ये सेल एक्चुअली यूज होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके रिजल्ट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। जैसे हम गाड़ियों में जो बैटरी यूज़ करते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर केमिकल्स हैं जो आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। सो दिस इज कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल कोई भी टाइप का हो, किसी भी सेल को बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए, तो इलेक्ट्रोड को हम लोग हाफ सेल भी कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड तो दो हाफ सेल, और दोनों इलेक्ट्रोड को मिला देंगे तो दो हाफ सेल मिलकर एक कंप्लीट सेल बनेगा। तो ये जो गैल्वेनिक सेल है इसको बनाने के लिए हम पहले क्या तैयार करते हैं, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड को, फिर उसे कनेक्ट करते हैं सेल बनाने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रोड या हाफ सेल है ये बनाया कैसे जाता है? वैसे तो हाफ सेल बनाने के कई अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो मेथड है हाफ सेल बनाने का वो है ए मेटल डिप्ड इनटू इट्स ओन सॉल्यूशन। अगर किसी मेटल को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डुबा दें तो इलेक्ट्रोड बन जाएगा। और भी तरीके हैं बट ये सबसे कॉमन मेथड है। जैसे कॉपर के मेटल को कॉपर के सॉल्यूशन में डुबा देंगे, बन गया हाफ सेल। आयरन मेटल को आयरन के सॉल्यूशन में डुबा देंगे, बन गया हाफ सेल। सिल्वर मेटल को सिल्वर सॉल्यूशन में डुबा देंगे, बन गया हाफ सेल। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉपर मेटल तो ठीक है, लेकिन कॉपर सॉल्यूशन से क्या मतलब है? कॉपर सॉल्यूशन मतलब कॉपर के किसी ऐसे कंपाउंड का सॉल्यूशन जो वाटर में सॉल्युबल हो। जैसे कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाता है तो कॉपर सल्फेट का घोल कॉपर का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसी को हम लोग यहां लिखेंगे द मोस्ट कॉमन मेथड टू मेक एन इलेक्ट्रोड इज ए मेटल dipped into
एड्स, ओन सॉल्यूशन। जैसे ये मेटल है और इस मेटल को इसी मेटल के सॉल्यूशन में हम डुबा देंगे, तो यही बन गया इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो मेटल है, मेटल को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोस्टली सॉलिड होता है, और सॉल्यूशन में जो होते हैं मेटल के आयन होते हैं, आयन, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब आप मेटल को उसके सॉल्यूशन में डुबा देते हैं तो इस मेटल के सरफेस पर एक रिएक्शन हो सकता है, वो ये है। या तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल आयन में कन्वर्ट होने लगेगा, या फिर मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर ऐसा रिएक्शन हुआ दिस इज ऑक्सीडेशन, और ऐसा रिएक्शन हुआ तो दिस इज रिडक्शन। मतलब इसमें या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेड एज मेटल, मेटल आयन, इस तरह से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर मेटल एंड कॉपर आयन, इसे हम कॉपर इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये जो है ये मेटल है और आयन जो है उसका सॉल्यूशन। उसी तरह से आयरन मेटल एंड आयरन का सॉल्यूशन, इसे हम आयरन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। उसी तरह से सिल्वर मेटल, सिल्वर आयन, इसे हम सिल्वर इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। यह है फिगर, लेकिन फिगर की कोई ज़रूरत हम लोग को नहीं है, सिंबल याद रखना है। दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, आयरन इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शन होगा, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड, इस रिएक्शन के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप करेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। नीचे लिखेंगे एवरी इलेक्ट्रोड हैज ए पोटेंशियल कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। हर इलेक्ट्रोड को एक पोटेंशियल वैल्यू होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल हम लोग ई यूज़ करते हैं। लेकिन ई कंप्लीट सिंबल नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोड का भी मेंशन किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
के बारे में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे पहली बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल ऑब्लिक मेटल आयन, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आयन पहले लिखेंगे और मेटल बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड और इसे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। सिंबल इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना है। यहाँ देखिए, आयन पहले मेटल बाद में, मतलब ये अगर इसमें कन्वर्ट होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। यहाँ पर मेटल पहले है आयन बाद में, तो अगर ये मेटल इस आयन में बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो इस सिंबल को पढ़ेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल को ऊपर इलेक्ट्रोड का, और इसे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का। और याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, साइन अपोजिट होते हैं। तो पहला पॉइंट में हमने बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जो कन्वेंशन है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का बुक में हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करते हैं। दोनों तरह के पोटेंशियल हम लिखे जा सकते हैं, इसमें रोक नहीं है, बट प्रैक्टिस क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है ताकि हर जगह एक ही सिस्टम फॉलो किया जाए। दूसरी पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जो आपको याद रखना है वो ये कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
ऑफ एन इलेक्ट्रोड। Depends upon nature of metal temperature concentration of solution pressure of gas if any। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इनमें से कोई भी फैक्टर अगर चेंज किया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी चेंज करेगा। इसलिए किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए हमें इन सारे फैक्टर को फिक्स करना होगा, कॉन्स्टेंट करना होगा, ताकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल सके। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोड के लिए इनमें से एक भी फैक्टर अगर चेंज किया तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। जहां तक ये कंडीशंस हैं, इसको हम कांस्टेंट किसी भी तरह से कर सकते हैं। लेकिन नीचे लिखिएगा इफ टेम्परेचर टेकन इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन प्रेशर ऑफ गैस taken is 1 atmosphere and concentration of solution is taken as 1 m। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने टाइम में इन कंडीशन को फॉलो करें, टेम्परेचर को 25 डिग्री पर रखें, कोई दूसरा भी रख सकते थे लेकिन अगर हमने यही टेम्परेचर सेलेक्ट किया और गैस का प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर पर रखा और जो सॉल्यूशन है जिसमें मेटल डुबाया हुआ है उसका कंसंट्रेशन 1 m लिया, मोलैरिटी 1, तो अगर इन कंडीशन को फॉलो करके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is called standard electrode potential। और स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए E पर जो है नॉट का सिंबॉल बना देंगे, नॉट जीरो का,
फॉर एग्जाम्पल इसे पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में आगे हम लोग इसको SRPs लिखेंगे, बार बार हमें पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखिए नॉट बना दिए तो इसको स्टैंडर्ड पढ़ेंगे हम, और स्टैंडर्ड का मतलब इसको निकालते टाइम में टेम्परेचर 25 डिग्री रखा गया था, गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m लिया गया था। एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखना है वो ये है, फॉर एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, चाहे वो कॉपर इलेक्ट्रोड हो, आयरन इलेक्ट्रोड हो, सिल्वर इलेक्ट्रोड हो, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का, जैसे कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और कॉपर का ही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, साइन अपोजिट होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, वैल्यू दोनों का बराबर आएगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, ये बात दिमाग में रखना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने दूसरा पॉइंट बताया कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कंप्लीट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग हमेशा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं वो रिलेटिव वैल्यू है। किताब में जो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है वो उस इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, उसका वो रिलेटिव वैल्यू है। और इस रिलेटिव वैल्यू के लिए निकालने के लिए एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया है,
और प्रेजेंट टाइम में जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है वह है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वी डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय टेकिंग SHE as reference electrode. SHE SHE का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको NHE भी लिखा जाता है। वैसे केस में फुल फॉर्म नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस एट वन एटमोस्फियर इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ HCl सॉल्यूशन हैविंग 1m कंसंट्रेशन। In this electrode, H2 gas at जैसा कि पता है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए अभी भी पूरा एनर्जी नहीं मिल रहा है क्लास लेने में, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।